नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी होती हैं, उस सीरीज में आगे मैं भाषा विज्ञान से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं उन पर बातचीत करूंगा। भाषा विज्ञान हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे कई बार परीक्षार्थी भाषा विज्ञान कमज़ोर होने की वजह से सफलता और असफलता के बीच में फंसकर रह जाता है। अगर भाषा विज्ञान के पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो बीए के अंतिम वर्ष से इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और एमए की कक्षाओं तक चलती है। ख़ास तौर से हिंदी भाषा या भाषा विज्ञान को पढ़ाने की जब बात आती है तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के अगर दिनों को मैं याद करूं तो बहुत मैं संतुष्ट नहीं रहा कि विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान ठीक वैसे ही पढ़ाया जाता रहा हो जैसे प्रोफेसर रामचरितमानस या तुलसीदास या प्रेमचंद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बड़ी ही तन्मयता से अपना लेक्चर देते हैं। उस ढंग से कभी भाषा विज्ञान को और मैंने किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखा। तो भाषा विज्ञान को मैं सेल्फ स्टडी के रूप में ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि पढ़ाने का अगर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र, ये दोनों ऐसे पेपर हैं, यह पेपर उन टीचर्स के हिस्से में जाते हैं जो या तो अभी नए नए जिनकी ज्वाइनिंग हुई हो या जितने भी सीनियर टीचर हैं वे अपने अपने मन पसंदीदा पाठ्यक्रम को ले लेते हैं और जो बचता है वह दूसरा कोई पढ़ाता है। तो भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र के साथ लगभग यही हमेशा होता रहा है। कुछ जगहें अपवाद होंगी तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेरे जैसे अनुभव बहुत सारे विद्यार्थी इस अनुभव से जुड़ पा रहे होंगे। तो भाषा विज्ञान में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या यूजीसी नेट प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें जिनको पढ़ने के बाद आपको अन्य सहायक किताबों की ज़रूरत न पड़े। तो उनमें जो मैंने अध्ययन किया और जो चयन किया है वह आपके सामने रख रहा हूँ। पहली किताब जिसका नाम है भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी, यह किताब थोड़ी मोटी है लेकिन इसमें भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान के पूरे पहलुओं को पूरी समग्रता के साथ अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है और विवेचन किया हुआ है, जिसमें भाषा की परिभाषा के साथ साथ उसके विविध रूप, उसके जो विविध अंग होते हैं या भाषा का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है उसका पूरा विवरण दिया गया है। ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, इनका भी अच्छे से विश्लेषण किया गया है। अक्सर आप देखते होंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ध्वनि विज्ञान से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं कि ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, स्वर व्यंजन या उच्चारण के दृष्टिकोण से ध्वनियों का क्या महत्व है, क्या रूप है, जिसमें कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, अग्रस्वर, स्पष्ट स्वर, मध्य स्वर इत्यादि कई बार सवालों में पूछे जाते हैं। और कंठ और जितने भी वर्ग हैं उनके बारे में तो आपको जानकारी होगी। तो कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ग विभाजित किए गए हैं और उनका उच्चारण स्थान है, तो इनका भी विश्लेषण इस किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है। ये किताब थोड़ी मोटी है लेकिन आप इसका अगर अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आपको इसका लाभ होगा। दूसरी किताब है भाषा विज्ञान की भूमिका, यह देवेंद्रनाथ शर्मा की किताब है। यह किताब भी लगभग उसी विषय वस्तु पर आधारित है जो भोलानाथ तिवारी की है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ संशोधित करके इसको सरल बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह भी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी किताब है भाषा विज्ञान के सिद्धांत, यह किताब मीरा दीक्षित की है और इन दोनों किताबों
का संक्षिप्त रूप लिए हुए बहुत ही व्यवस्थित क्रम से इस किताब को लिखा गया है। जब मैं तैयारी करता था तो उन दिनों में यह किताब मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। यह इलाहाबाद से मैंने इसको ख़रीदा हुआ था। तो भाषा विज्ञान के सिद्धांत पतली सी किताब है, लगभग 100 पेज से थोड़े से अधिक होगी। इसमें जितने भी भाषा विज्ञान से संबंधित उसकी परिभाषा, उसके अंग, उसके स्वरूप या जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, कई बार यूजीसी की परीक्षाओं में भाषा विज्ञान से संबंधित सिद्धांत पूछे जाते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के सवाल आते हैं। तो इस किताब को आप अगर रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं तो इसे भी आप खरीद सकते हैं। चौथी किताब है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी की। कई जगह लिखा रहता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इस किताब के टॉपिक में ही है हिंदी भाषा। तो इसमें मुख्य रूप से हिंदी भाषा के चीज़ों को रखने का प्रयास किया गया है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश से लेकर उसकी विशेषताओं के बारे में पूरा इसमें जिक्र किया गया है। इसके बाद जो साहित्यिक रूप में बोलियों का विकास हुआ, जिनमें अवधी, ब्रज और खड़ी बोली है, उसका भी विवेचन किया गया है। इसके अलावा देवनागरी लिपि को विस्तृत रूप में बताने का प्रयास किया गया है। तो यह हिंदी भाषा का अध्ययन करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किताब है। इसके बाद जो किताब है हिंदी भाषा हरदेव बहारी, यह किताब यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह यूपीपीएससी का सिलेबस भी इससे मिलता जुलता है। तो यह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी उदय नारायण तिवारी की किताब के तरह ही हिंदी की उत्पत्ति से लेकर देवनागरी लिपि, कंप्यूटर में हिंदी का विकास कैसे हुआ है, या फिर राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, उसका जिक्र किया गया है। यह भी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। अगली किताब है आधुनिक भाषा विज्ञान, डॉक्टर विवेक शंकर। यह भी किताब महत्वपूर्ण है। इसमें तथ्यात्मक और विवरणात्मक दोनों ढंग से इसमें इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से यह भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो अगर इन किताबों का आप अध्ययन करते हैं लाइब्रेरी में, या फिर ई पुस्तकालय वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या खरीद कर अध्ययन करते हैं, तो आपको अन्य पत्र पत्रिकाओं में जो भी हिंदी भाषा या भाषा विज्ञान से संबंधित किताब, तथ्य या फिर बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध रहती हैं, आप उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर इन किताबों का आप व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं तो ज़रूर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। तो क्योंकि इस ऐसा पेपर है भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र कि इसको आपको खुद से ही पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दो बार तीन बार उन पाठ्यक्रमों को पढ़िए और पाठ्यक्रम के अनुसार इन पुस्तकों में उसे खोजने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद है कि भाषा विज्ञान से संबंधित किन किन किताबों का अध्ययन किया जाए यह समस्या थोड़ी कम हुई होगी, और एकाग्रचित होकर इन किताबों को खरीद कर या कहीं भी उपलब्ध हों तो उन्हें प्राप्त करके आप अध्ययन कर सकते हैं और परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ऐसे ही अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, उन पर मैं विचार करता रहूँगा, क्योंकि भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र इन दोनों पेपर्स का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इनकी पढ़ाई विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में उतने रुचि से नहीं होती है जितना होना चाहिए। आप देखेंगे वर्तमान समय में बहुत सारे विषयों पर रामचरितमानस, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, गोदान या जितने भी विमर्श चल रहे हैं, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इन पर तो खूब सेमिनार, वेबिनार और संगोष्ठियाँ होती रहती हैं, लेकिन भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र से संबंधित बहुत खास जो एक्सपर्ट हैं या प्रोफेसर हैं रुचि नहीं दिखाते हैं। तो इसे अपने से ही अध्ययन करना है तो इन किताबों को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।